आरोपों के कटघरे में केजरीवाल सरकार, क्या अपने पद से देंगे इस्तीफा? 2 जून से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया नए सीएम का नाम। क्या 2 जून से पहले ही मिल जाएगा दिल्ली को नया सीएम? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ही उनके दिन ठीक नहीं चल रहे। इस समय सीएम अरविंद केजरीवाल कई सवालों के घेरे में हैं। आंतरिक जमानत पर बाहर चल रहे केजरीवाल अब पता नहीं जेल गए तो कितने दिनों के लिए जाएंगे। इसी खतरे को देखते हुए केजरीवाल ने आगे का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। अब वो प्लान क्या है आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के केस ने अरविंद केजरीवाल से लेकर उनके पीए और साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले में चुप क्यों है? बीजेपी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन से लेकर लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करने तक दिल्ली के सीएम केजरीवाल सारे काम कर रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी। पहले शराब घोटाले का मामला, उसके बाद राज्यसभा सांसद की महिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोप, ये इशारा करते हैं कि 2 जून को अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आएंगे। इससे पहले ईडी ने ही कोर्ट में कहा था कि हर सबूत केजरीवाल के आरोपी होने का दावा कर रहा है। 2 जून को केजरीवाल इस्तीफा देंगे इस बात की पुष्टि कुछ बातें भी करती हैं। पहला ये कि जितने आरोप उन पर लगाए गए हैं उससे बचना नामुमकिन है। अगर केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं भी देते तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन ला दे, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को अपनी बीवी पर भरोसा जताना पड़े और दिल्ली को एक नया सीएम मिल जाए। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 2 जून को रद्द होने वाली है और अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो जितने भी आरोप उन पर है उनके चलते वो अब जल्दी बाहर नहीं आएंगे, जिसके लिए उन्हें अपनी जगह किसी और को अपनी कुर्सी की कमान सौंपनी होगी। इसीलिए केजरीवाल इस बार भी 2 जून से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार के धार को तेज कर दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो कोंडली विधानसभा में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल रहेगी।